वाह ब्रेकिंग, राजकीय कृषि बीज भंडार की इमारत पर नहीं हुआ स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर सभी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों में लहराया तिरंगा। कृषि बीज भंडार के कर्मचारी भूले अपनी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय पर्व पर नहीं किया ध्वजारोहण। पूर्व में भी कृषि बीज भंडार के कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली, सुना पड़ा रहा कृषि बीज भंडार। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण नहीं होने पर खड़े किए सवाल, कार्रवाई की मांग। बाह कस्बा के ब्लॉक परिसर के पास स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार का मामला। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर। नीरज धनगर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, आज जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे सारा देश जो है मना रहा है, लेकिन ये सरकारी कार्यालय जो राजकीय कृषि बीज भंडार है, ये बाह का है, यहाँ पे ध्वजारोहण नहीं हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सरकारी और अर्ध सरकारी जितने भी संस्थान हैं उसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इन कर्मचारियों की और अधिकारियों की लापरवाही है कि इस बीज भंडार पर ध्वजारोहण नहीं किया गया है। इनकी इस लापरवाही के लिए आप जो है सरकार से क्या मांग रखेंगे? सरकार से यही मांग रखेंगे कि सरकार इन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? मेरा अंकुर तिवारी है। अंकुर जी, यहाँ पे आप आए हैं सरकारी कार्यालय पे, आज राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन यहाँ ध्वजारोहण नहीं हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये देश के झंडे का अपमान है। हर सरकारी भवनों में ध्वजारोहण हुआ है, अगर यहाँ इस भवन में अगर ध्वजारोहण नहीं हुआ है तो यहाँ के अधिकारियों की कर्मचारियों की बहुत बड़ी गलती है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। जो यहाँ के अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गई है, तो आप जो है शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? अगर ये कोई गलती नहीं है, ये तो एक ध्वजारोहण का सीधा सीधा अपमान है। अगर जो हमारे ध्वजारोहण का अपमान करेगा, मेरे ख्याल से सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तुरंत ही बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से जो अपने ध्वजारोहण का